राजस्थान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में घमासान छिड़ गया। एमपी की तरह यहां भी राहुल गांधी के सामने दो बड़े नेता टिकट को लेकर भिड़ गए। सूत्रों से खबर मिली कि कल रात केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी के सामने सचिन पायलट और कांग्रेस के विधायक दल के नेता रामेश्वर में तीखी बहस हो गई। दोनों नेता अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलाने के लिए भिड़ गए। जब बात नहीं बनी तो राहुल ने विवाद सुलझाने के लिए दोनों नेताओं से डिटेल रिपोर्ट मांगी और सूत्रों के मुताबिक फुलेरा, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, गंगानगर और फलौदी की सीटों को लेकर यह विवाद हुआ था। पायलट और रामेश्वर की खुली जंग से राहुल भी गुस्से में काफी नजर आए। हालांकि रामेश्वर को अशोक गहलोत का करीबी माना जाता है और इस लिहाज से इसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जंग के तौर पर देखा जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस के नेताओं ने बोलने से भी मना कर दिया।